हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे डिजाइन लेकर आई हूँ, क्योंकि सब अब ईद के लिए अपने बेबी की फ्रॉक सियेंगे। सबको डिजाइन अच्छे अच्छे चाहिए होंगे, इसलिए जो मैं डिजाइन आपको दिखा रही हूँ उससे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक सी है, ये टेल फ्रॉक है। इसका कंट्रास्ट भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए हमने पेटी पे ये बंच लगाया है इसमें। ये देखिए साइड में हमने डिजाइनिंग के लिए ये बंच लगाए हैं। इसका गला देखिए, इसमें पट्टी लगा के हमने ये चुन दिए, जिसमें हमने बटन लगाए। ये देखिए इसमें बटन लगाए, ये पेटी पे हमने लेस लगाई है। नीचे देखें, ये हमने सादे कपड़े की फ्रिल लगाई है। नीचे फ्रिल के साथ ये लेस लगी है। ये टेल फ्रॉक है, इसलिए फ्रंट इसका ये शॉर्ट है और बैक देखिए ये लॉन्ग है। अब इसकी स्लीव्स देखते हैं। ये देखिए स्लीव्स में ये फ्रिल लगाई है, हमने अम्ब्रेला लगाई है, इसमें हमने चुन नहीं दी, ये इसी तरह से अम्ब्रेला कटिंग करके लगाई है। इसके दोनों साइड पे लेस लगी है। बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है। इसका बैग भी देखिए, हमने बैग पे भी लेस लगाई है ये, और नीचे फ्रिल लगा के ये नीचे भी लेस लगी। प्यारा लुक आ रहा है, बहुत अच्छे आपको आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि आप सबको ईद के लिए कपड़े बनाने होंगे अपनी बेबीज के, और बहुत इजी हैं, जो आप बहुत आसानी से घर में सी सकती हैं। इसका ट्राउजर देखिए, हमने इसके ट्राउजर पे भी डिजाइनिंग की है। ट्राउजर इसका सादे कपड़े का है, नीचे हमने प्रिंट कपड़े से डिजाइनिंग की है। ये देखिए नीचे लेस लगाई है, ये प्रिंट कपड़ा लगाया है इसमें, इसके साथ पाइपिंग लगाई है। ये देखिए इसके जॉइंट पे हमने पाइपिंग लगाई है, और ये बटरफ्लाई लगाई है। आप चाहें तो इस बटरफ्लाई पे कोई बीड्स, कोई पर्ल्स, कुछ भी लगा सकती हैं, या सिंपल चाहें तो सिंपल रहने दें जिस तरह मैंने लगाई है। दूसरी फ्रॉक देखते हैं। ये 3 से 4 साल की बेबी की है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाएं, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो मेरे नए देखने वाले हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ये उसी कपड़े में हमने बनाई है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग अलग है। ये देखिए ये हमने साइड में फ्रिल लगाई है सादे कपड़े की, प्रिंट कपड़े पे। और ये देखिए ये भी हमने डिजाइनिंग की है, ये हमने सादा कपड़ा लगा के इसमें लेस लगाई है। ये त्रिकोण कपड़ा लगाया है सादा हमने डिजाइनिंग के लिए, और इसके ऊपर हमने बटरफ्लाई लगाई है, इसमें हमने बटन लगाया है। ये देखिए स्लीव्स में हमने देखें पट्टी लगाई है, क्योंकि अब गर्मियां हैं। इस तरह फ्रिल लगा के भी आप स्लीव्स बना सकती हैं, फुल की जरूरत नहीं है, गर्मी में इसी तरह से चलती हैं।
ये नीचे देखें हमने फ्रिल लगाई है और ये फ्रिल पे हमने पीको करवाई है। ये लेस लगाई है, ये देखें। ये इसका बैग भी देखिए, ये फ्रिल हमने बैग पे भी लगाई है। ये फ्रंट से बैग तक पूरी फ्रिल आ रही है, बहुत प्यारा लुक लग रहा है इसका। ये इसका ट्राउजर देखिए, इसमें भी डिजाइनिंग की है। ये देखिए इस तरह से कटिंग हुई है, ये है ट्राउजर। ये नीचे देखें ये पट्टी लगाई है, ये करीब से देखें आप पट्टी, पाइपिंग लगाई है इसमें। ये ऑरेंज पाइपिंग हमने इधर लगा के, ये हमने प्रिंट कपड़े की पाइपिंग लगाई है साइड में। ये हमने फ्लावर बना के लगाया इस पे, बहुत प्यारी फ्रॉक लग रही है। इसके ट्राउजर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको दोनों में से कौन सी फ्रॉक ज्यादा पसंद आई है। ये देखिए ये टेल फ्रॉक है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका। आप बहुत आसानी से सी सकती हैं और अगर आपको सीना नहीं आता है तो आप ये डिजाइन अपने टेलर को दिखा के उससे सिलवा सकती हैं। वैसे तो ये इतना इजी डिजाइन है कि आपको अगर आती है स्टिचिंग तो आप घर में सी सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।